ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो राजा प्रचीन बर्हिषत ने जब नारद मुनि जी से आग्रह किया कि कृपा करके वे अगर उन्हें विमल ज्ञान प्रदान करें तो वो अपने कर्म बंधनों से छूट पाएंगे, तो अब नारद मुनि उनके ऊपर दया करते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा उनके किए हुए कर्म के बारे में दिखाते हैं। उनको कहते हैं, हे राजा, तुमने बहुत सारे यज्ञ करवाए, इन यज्ञों में तुमने जो जानवरों के बलिदान दिए हैं तुम उनको आकाश में देख सकते हो। तो नारद मुनि ने अपनी शक्ति से वो सारे बलिदान किए हुए जानवर जिनकी बलि चढ़ाई गई थी यज्ञ के अंदर में, वो सब प्रदर्शित किए। तो नारद मुनि क्यों प्रदर्शित करना चाहते थे? क्योंकि जब तक व्यक्ति को ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं होता है संसार से, तब तक वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना ज्ञान के वैराग्य प्राप्त नहीं होता है और बिना वैराग्य के हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम संसार में आसक्त हैं, हमारा वैराग्य नहीं है, तो भगवान के रास्ते पर, आध्यात्मिक रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज्ञान तो वो प्रदान करना चाहते थे, ज्ञान के साथ में उनको वैराग्य भी प्रदान करना चाहते थे। तो उनको दर्शा रहे हैं कि कितने सारे जानवरों को उन्होंने जो है इन यज्ञों में बलिदान दिया है। उनका मेन कारण क्या था? राजा के अंदर में एक प्रकार से ज्ञान की भावना और संसार से वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए। आगे वो कहते हैं, हे राजा, ये सारे जानवर जो तुम देख रहे हो, जिनका बलिदान इस यज्ञों में दिया गया था, ये सारे प्रतीक्षा कर रहे हैं कब तुम्हारी मृत्यु हो और तुम्हारी मृत्यु के उपरांत तुम्हें अनेकों प्रकार की यातना देने के लिए क्रोध के कारण अनेकों प्रकार के जो ये होते हैं ना, जैसे भाले हो गए, त्रिशूल हो गए, जो लोहे के बने होते हैं, इन सब के द्वारा तुम्हें अनेकों प्रकार की यातना पीड़ा देने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो वैदिक जो अनेकों प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, उसमें जो पशुओं का बलिदान दिया जाता था, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये था कि जो पुरोहित जो यज्ञ कर रहे हैं वो इतने श्रेष्ठ होते थे, वो इतने आध्यात्मिकता में प्रगतिशील होते थे कि उनके वैदिक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा जो पशु बलिदान जिसकी जो है बलि चढ़ाई गई है उसे तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता था।
तो वो एक प्रकार से हत्या नहीं कहलाती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिन पुरोहित को हम लगाते हैं वो उस प्रकार से एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं यज्ञ करने में। अगर इस प्रकार के कर्म में थोड़ी भी भूल चूक हो गई तो जिस जानवर का बलिदान दिया गया है उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती है और वो बलिदान नहीं कहलाता है, वो मर्डर कहलाएगा। तो उसके पापों को व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। तो बड़ा रिस्क है। नारद मुनि राजा प्राचीन बरहिषत को ये समझाना चाहते हैं, जो तुम कार्य कर रहे हो बहुत रिस्की है, क्योंकि इतने सारे जानवरों को तुम बलिदान दे रहे हो और अगर थोड़ी भी भूल चूक हो गई तो जितने भी ये जानवर हैं सब प्रतीक्षा में हैं कि अपनी मृत्यु का बदला वो तुमसे लेने वाले हैं। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात अनेकों प्रकार की यातनाएं तुम्हें प्रदान करेंगे। तो ये वेदों के अंदर में बताया गया है कि जो यज्ञ में बलिदान जो दिया जाता था श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वो अलग होता है। उसमें जानवर को नया शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य को मनुष्य के शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसे वेदों में ये भी बताया है धर्म युद्ध के समय में जो भी सैनिक मारा जाता है उसे जो है वीर गति की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से यज्ञ के समय में जिन पशु का बलिदान दिया जाता है अगर वो सही विधि से किया जाता है तो उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर थोड़ी भी भूल चूक हो गई तो वो मर्डर कहलाएगा। इसी प्रकार से महाभारत में बताया है, वेदों के अंदर में काफी जगह में बताया है कि जब हम कहीं से जाकर के मार्केट से मांस खरीदते हैं तो 6 प्रकार के लोग दोषी कहलाते हैं। 6 प्रकार के लोगों को उस दोष के कारण, उस पाप कर्म के कारण अनेकों प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। तो 6 प्रकार के लोग कौन बताए गए हैं? पहला बताया है जो व्यक्ति जानवर को मारने की अनुमति देता है वो पहला हो गया, वो व्यक्ति दोषी कहलाएगा, अपराधी है। दूसरा, जो कसाई, जो व्यक्ति उसको जानवर को मारता है वो भी जो है दोषी है। तीसरा, जो इस कार्य में सहायता करता है वो भी जो है दोषी कहलाता है। मान लीजिए उसका कोई असिस्टेंट है, जो भी है, जो भी उसके अंदर में सहायता करता है, तो ये 3 लोग तो ये हो गए। चौथा, जो उस मांस को पकाता है, ये हो गया चौथा। जो उस मांस को खाता है और यह दूसरों को देता है, तो ये 6 प्रकार के लोग जो हैं, तो जो उसे पकाता है, जो उसे खाता है वो भी दोषी कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो केवल पकाया है, दूसरे लोगों ने खाया है। पकाना भी जो है वो व्यक्ति भी दोषी कहलाएगा। और जिन व्यक्ति ने, वो बोलेगा कि भाई मैंने तो बस बाजार से खरीदा है, मैंने थोड़ी जानवर को मारा है, जो व्यक्ति खाता है वो भी दोषी कहलाएगा। तो ये 6 प्रकार के लोग जो हैं महाभारत के अनुसार दोषी कहलाते हैं और इनको जो है सजा भुगतनी पड़ेगी। ये जानवर, इसलिए आपने देखा होगा कि वेदों के अंदर में कहा गया है मांस का मतलब क्या होता है, मम खादति इति मांसा। व्यक्ति जो है एक प्रकार का प्रण लेता है जानवर से कि मैं इस जीवन में तुम्हारी जो है जान ले रहा हूं, मम खादति, अगले जीवन में तुम मेरे प्राण ले सकते हो। इति मांसा, उसको मांस कहते हैं। तो ये जो है नारद मुनि जो है उनको समझाते हैं। आगे नारद जी कहते हैं कि हे राजा, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास से पुरानी कथा सुनाना चाहता हूं। ये कथा
राजा पुरंजन की है। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो है अब वो समझाने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जो व्यक्ति भोग विलास में डूबा है वो मूर्ख होता है। मूर्ख व्यक्ति को अगर आप डायरेक्टली बोलोगे कि भाई तुम मूर्ख हो और उसको आप उपदेश दोगे तो और ज़्यादा वो गुस्सा हो जाएगा। तो मूर्ख लोगों को उपदेश डायरेक्टली देने का फायदा नहीं है। तो नारद जी जो हैं डायरेक्टली राजा प्रचीन बर्हिषत को उन्होंने क्या क्या प्रकार के कर्मकांड में अनेकों प्रकार से अपने आप को कर्म बंधनों में फंसा लिया है, उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास एक कथा के द्वारा बता रहे हैं। ये काल्पनिक कथा है। इस काल्पनिक कथा में मतलब ये कथा राजा प्रचीन बर्हिषत की ही है, नाम उन्होंने दूसरा दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कथा केवल प्रचीन बर्हिषत के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। पुरंजन का मतलब क्या होता है? जन मतलब होता है आत्मा, उसको जो है जन भी कहते हैं, लिविंग एंटिटी। और पुरा का मतलब होता है शरीर। तो जो इस शरीर के अंदर में वास करता है आत्मा, उसकी स्टोरी, उसका इतिहास बता रहे हैं। तो उसके इतिहास के बारे में नारद जी क्या कह रहे हैं कि ये इतिहास बहुत पुराना है, पुराणम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सभी जीवों का इतिहास बहुत पुराना है। हम हो सकता है कि हम कहें कि भाई मेरा जीवन पुराना कैसे है, मैं तो 40 साल का हूँ, मेरा इतिहास केवल 40 साल का है। ऐसा नहीं है। वेदों के अंदर में बताया है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। वो कहते हैं अनादि कर्म फले पड़ी भावर नारा जले तारी बारे न देखी उपाय। तो इस गाने के अंदर में उन्होंने जो है वेदों का सार बता दिया है। अनादि कर्म फले, हमारे कर्म के फल कब के हैं? अनादि हैं, बहुत समय पहले से हैं। प्रैक्टिकली हम पहचान भी नहीं सकते हैं कब से हम इस संसार के अंदर में फंसे हुए हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमारा जीवन 40 साल पहले प्रारंभ हुआ और मान लीजिए आप 80 साल 90 साल तक जीते हैं और तब समाप्त हो जाता है। ये तो जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी जो यात्रा है बहुत लंबी है। अनेकों योनियों में हम लोग जन्म लेने के बाद में 84 लाख योनियों में, इतने सारे ब्रह्मांडों में, अनेकों ग्रहों पर, अनेकों योनियों में जन्म लेने के बाद में हमें जो है मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है। तो हमारी हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक कथा जो वो बता रहे हैं राजा पुरंजन की, बहुत पुरानी कथा है। तो कहते हैं, आगे बताते हुए कहते हैं कि ये जो राजा पुरंजन था ये बड़ा फेमस था अपने अनेकों प्रकार के कार्यकलापों के लिए। और इसका एक दोस्त था, इसका एक मित्र था, जिसका नाम वो कहते हैं अविज्ञाता, मतलब जिसको वो समझ नहीं पाता था। उसके अविज्ञाता, विज्ञाता का मतलब होता है जिसको हम समझ सकते हैं, और अविज्ञाता का मतलब होता है जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो पुरंजना, उसकी हिस्ट्री उन्होंने बताई कि बहुत लंबी है, बहुत पुराने समय की जो है बात बता रहे हैं। तो सभी जीवों की हिस्ट्री बहुत पुरानी है।
और सभी को राजा भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम भी शरीर में भोगने के लिए आए हैं। राजा क्या करता है अपने महल में, अपने उसमें, अपनी प्रजा के साथ में भोग में लगा रहता है, जनरली भौतिक संसार के अंदर में। तो इसी प्रकार से हम भी इस शरीर में अपनी इच्छा के अनुसार अनेकों प्रकार के कार्यों के द्वारा भोगते हैं। तो ये हमारा शरीर हमारा राज्य है, और इसके अंदर में जो आत्मा है वो भी एक प्रकार से राजा है। तो हम भी पुरंजन है, हर एक जीव पुरंजन है। जो भी जीव इस शरीर को भोगना चाहता है उसे पुरंजन कहा जा सकता है, राजा पुरंजन। तो ये जो है बहुत सुंदर कथा वो बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं इस पुरंजन राजा का एक मित्र है जो उसकी अनेकों प्रकार की सहायता जरूर करता है, लेकिन अपने मित्र को वो समझ नहीं पाया है। उसका नाम है अविज्ञाता। तो ये अविज्ञाता कौन है? इसी शरीर के अंदर में एक और जीव है जिसे परमात्मा कहते हैं। तो हम तो राजा की भांति आए हैं शरीर में भोगने के लिए, और साथ साथ में परमात्मा भी है। तो परमात्मा को अविज्ञाता कहते हैं, क्योंकि उसको हम समझ नहीं सकते, उसके कार्यों को नहीं समझ सकते, लेकिन वो हमारी सहायता में लगा है। वो मित्र क्यों है, सुहृद उसको क्यों कहते हैं? उससे बढ़िया और उससे निकट मित्र कोई नहीं है। हम लोग सोचते हैं ये मेरा मित्र है, ये मेरे परिवार वाले मेरे मित्र हैं, लेकिन भगवान जो हमारे हृदय में है उससे बढ़िया मित्र कोई नहीं है। वो हमारी संसार में इच्छा भी पूरी करने के लिए भगवान हृदय में आया है। हम लोग भगवान को छोड़ करके संसार में आ गए, लेकिन भगवान फिर भी हमारे साथ में आया है। हम कई बार इस शरीर को छोड़ करके एक गंदी योनि में जाकर के जन्म लेते हैं, सुअर की योनि में, कुत्ते की योनि में, लेकिन भगवान इतना दयालु है उस शरीर के अंदर में भी हमारे साथ साथ में जाता है, इसलिए वो हमारा मित्र है। लेकिन उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए अविज्ञाता कहते हैं। तो वो भगवान क्या करता है, हमारी इच्छाओं को संसार में पूरा कर रहा है, तो वो हमारे मित्र की भांति है। और जब हम भौतिक संसार में भटक जाते हैं और भगवान को समझना चाहते हैं, तो भगवान हृदय के अंदर से ज्ञान भी प्रदान करता है, दिशा भी दिखाता है हमें कौन से रास्ते पर जाना है। तो आगे अब इस राजा पुरंजन की जो कथा नारद जी बता रहे हैं उसके बारे में और क्या विषय बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।